हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर ऐप से अच्छी क्वालिटी में फुल एचडी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करें। क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि जब आप 720p एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, कभी 720 तो रहता है लेकिन 360 जो क्वालिटी होता है 240 या 480 वो गैप हो जाता है, या फिर आप 480p कंप्रेस करते हो एक्सपोर्ट करते हो तो 720 गैप हो जाती है। तो ये सारे वीडियो सोल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। मैं ले चलता फिर फोन के होम स्क्रीन पर दिखाता हूँ और काइन मास्टर ऐप भी खोल के दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट चैनल पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आगे। देखिए मैं आ गया अपने YouTube पे। मैं पहले आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आती थी पहले, अब क्या आती है वो सब मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं अपने चैनल खोल लेता हूँ, क्लेरा टेक यहाँ पर खुल गया है। ठीक है, मैं आपको वीडियो लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ दिक्कत क्या आती है। मान लीजिए ये वीडियो है, ठीक है, यहाँ मैंने इसको प्ले किया, यहाँ पे मैं इसके थ्री डॉट पे क्लिक करके क्वालिटी पे गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 144 है, 240 गैप है, 360 है, फिर 480 गैप है, फिर सीधा 720 है। मतलब बीच के कुछ कुछ गैप है क्वालिटी, मतलब कोई बंदा चाहे 240 पे देखने को तो इस वीडियो को नहीं देख सकता, वो गैप हो चुका है वो, या फिर चाहे 480 पे देखने का तो उस पर नहीं देख सकता, सीधा 720 उसको देखना पड़ेगा, या फिर 360 या फिर 144। तो ये प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट करने टाइम में। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए एक मेरा एक वीडियो है, इसको मैंने कल वो सेटिंग करने के बाद मैंने इसको अपलोड किया था वीडियो को, मैं देखने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर वो तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको इस वीडियो को आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ही वीडियो है, आप देखिए चल रहा है वीडियो मेरा। मैं इसको सैंपल के लिए अपलोड किया था, क्वालिटी पे मैं गया यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर सारे के सारे क्वालिटी अवेलेबल है, 144 अवेलेबल है, 240 अवेलेबल है, 360, 480, 720 अवेलेबल है, मतलब सारे के सारे क्वालिटी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी लेकिन वो पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने दिखाया वहाँ पे नहीं था, इस पर सारे क्वालिटी में वीडियो अवेलेबल, मतलब इसी सेटिंग को एक अप्लाई करने में सबको दिक्कत होती है, किसी किसी में क्या होगा कि 1080 रहेगा, 144 रहेगा, बीच का सारे गैप बढ़ते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा, लोगों को अच्छी क्वालिटी में वीडियो देखने फिर प्रॉब्लम हो रही है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मैं काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए अपना काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको सेटिंग पे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इस सेटिंग पे जाना है, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर जाना है एडवांस एक्सपेरिमेंट सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, आपको पहला ये तीसरा नंबर पर लिखा हुआ अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 FPS, या आपका डिसेबल हो आपको इसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे अब जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ इम्पोर्ट फ्रेम रेट अप टू 240 FPS, ये भी जो है तो आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, इसी को ये हो गया, फिर आपको बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको मैं वीडियो को एक्सपोर्ट के लिए, मैं यहाँ पे एक वीडियो रखा हूँ पहले से। ठीक है, ये मेरा वीडियो है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं किस क्वालिटी पे करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं एक्सपोर्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पर क्वालिटी में मैं रखूँगा 720 60 FPS पे रखूँगा। ठीक है, आपको ये जो है ये इसी को दिक्कत होती है सबको रखने में, यहाँ पर लो हाई है, लोग सोचते हैं क्या कि हाई पर रखूँगा तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेगी, लो पर रखूँगा तो खराब क्वालिटी में वीडियो मिलेगी। नहीं भाई, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यही, मैं इसको पहले हाई पर देता था तो बीच का 144 गैप हो जाता था, 140 गैप हो जाता था, 480 गैप हो जाता था, 360। इसको आपको रखना है जब भी आप 720 में वीडियो कंप्रेस करोगे तो याद रखिएगा ये आपका 4 से 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा 481 पे है, यहाँ पे 5 के बीच में होना चाहिए, ये रखिएगा। और अगर आप 1080 पर इसको कर रहे हो तो आप 10 से 11 के आसपास रखिएगा अपने। ठीक है, 10 के आसपास तो आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड निकलेगी, अगर आप यूट्यूब पर अपलोड करिएगा तो वहाँ से आपका क्वालिटी गैप नहीं होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 720 जब भी आपको करना हो तो आप यहाँ पे 4 से 5 के बीच रखिएगा, 1080 के लिए हमेशा 10 के आसपास रखिएगा। ठीक है, तब जाके आपका अच्छा क्वालिटी होगा। इधर 60 FPS पे वो सेटिंग में जाके FPS पहले इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि पहले से नहीं रहता, पहले से सिर्फ 30 FPS पे रहता है, 60 पे इनेबल करके उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट होगी और मस्त चलेगा भी। तो आप मेरा वीडियो देख सकते कितनी अच्छी क्वालिटी में चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइबर काफ़ी ग्रो हो गए हैं।